नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हरियाणा में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी एक बार फिर अटक गई है। अब नए फार्मूले के तहत SC ST और OBC पर फोकस किया जाएगा। पार्टी के नेता इस मामले पर विचार कर रहे हैं कि कैसे अपने वर्ग आधार को मजबूत किया जाए। SC ST और OBC वर्गों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए फॉर्मूले के तहत इन वर्गों पर फोकस किया जाएगा। इस बदलाव के पीछे पार्टी की रणनीति है कि कैसे अपने वर्ग आधार को मजबूत किया जाए। पार्टी के नेताओं का मानना है कि अगर SC ST और OBC वर्गों को ज्यादा महत्व दिया जाए तो पार्टी को फायदा होगा, और अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का यह नया फॉर्मूला कैसे काम करता है। क्या पार्टी अपने वर्ग आधार को मजबूत कर पाएगी या फिर नहीं, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, जरा वो सुनिए आप। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो आपने बात पूछी है वो शीघ्र हमारे बीच होगी। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में नौजवानों को, महिलाओं को और अनुभवी व्यक्तियों को इस कार्यकारिणी में मौका शीघ्र मिलेगा। लेकिन आज भी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम चाहे महिलाओं के मुद्दे हो, नौजवान की बेरोजगारी के मुद्दे हो, किसान की लगातार बढ़ती आत्महत्या और कर्ज के मुद्दे हो, हम उसको जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में तमाम लोग उठा रहे हैं। निसंदेह सरकार ने जो वादे किए थे कि 3000 महिलाओं को, किसानों को सोयाबीन के, धान के और बिजली के बढ़ते बिलों के मामले में जो सरकार ने वादे किए थे, आज वो सरकार पूरी नहीं कर पा रही। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा रही है। कार्यकारिणी में वही लोग शामिल होंगे जो आज आवाज उठा रहे हैं। बहुत शीघ्र कार्यकारिणी होगी और ताकत से जीतू पटवारी की नई टीम का। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के विरोध के कारण जीतू पटवारी अपनी कमेटी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली का उनका नेतृत्व मुलाकात और बातचीत का समय नहीं दे रहा। राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और पार्टी गई तेल लेने की मानसिकता जो है आज वो पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही है। जो पार्टी चुनाव हारने के एक साल पश्चात भी अपनी कमेटी न बना पाए, वह चुनाव के लिए दोबारा संघर्ष कैसे करेगी। मध्य प्रदेश की जनता के मन और मस्तिष्क पर आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का जादू छाया हुआ है और कांग्रेस पार्टी उस पूरे एक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रयास हैं उसके कारण मध्य प्रदेश से समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के गठन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम तारुफ करा देते हैं। रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है TV27 न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल रवि वर्मा जी आपसे ही, क्या वजह है कि लगातार डेट पे डेट, तारीख पर तारीख रखी जा रही है लेकिन अभी तक इतना समय हो गया है कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दल हो, उसे अपना विस्तार करना, अपने दल का संगठन का विस्तार करना, ये उसके अपने एक दायरे में आता है और उसी दायरे के अंदर कांग्रेस पार्टी उन तमाम सब पहलुओं को ध्यान रखकर अपनी पार्टी का गठन करना चाहती है, अपनी कार्य समिति का, अपने प्रदेश के बॉडी का गठन करना चाहती है। क्योंकि आज पीढ़ी परिवर्तन का समय है, एक ऐसे समय पर हम एक नई कार्यकारिणी लेकर आ रही है जब विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि परिणाम हमारे अनुरूप नहीं रहे। लेकिन आज जिस तरीके की कार्यकारिणी हम चाहते हैं उसमें वरिष्ठों के साथ साथ ऐसे युवा साथियों का समायोजन होने जा रहा है जिन्होंने पार्टी के लिए लगातार 15 वर्षों तक संघर्ष किया, जनता की आवाज को उठाया, भारतीय जनता पार्टी की जुल्म जास्ती का शिकार हुए। तो ऐसे समायोजन के साथ हम कार्यकारिणी लेकर आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आप इतने दिन हो गए, आप ऐसे कार्यकर्ताओं या ऐसे नेताओं को खोज नहीं पा रहे हैं क्या, समायोजन नहीं कर पा रहे हैं क्या? पहले आपने जो डेट दी, तारीख दी, जुलाई में दी, उसके बाद फिर सितंबर दिया, लगातार डेट बढ़ती ही जा रही है और अभी तक देखिए ना, बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं साल भर से तो आप कार्यकारिणी के जो किनको शामिल किया जाए उसमें, किन नेताओं को लाया जाए, कौन फिट बैठेंगे, यही नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव पे चुनाव हुए जा रहे हैं, उनके नतीजे आ रहे हैं और आप करारी हार भी पा रहे हैं। योगेश जी, ये किसको समायोजन करेंगे, किसका नहीं करेंगे, पार्टी का अंदरूनी मामला है ना।
ना तो ये मीडिया तय करेगी, ना ही ये भाजपा तय करेगी। नहीं, हम बिल्कुल तय करने वाले नहीं। चलिए यही सवाल मैं पूछ लेता हूँ राजेंद्र जी से, लेकिन सवाल अब आपने जो बात की उसका पूरा जवाब लीजिए ना, फिर पूरा जवाब भी तो होना चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरी बात को बोलिए 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 बोलिए, जवाब दीजिए। तो ये पार्टी तय करेगी, और पार्टी के संगठन से जो है कांग्रेस पार्टी के, मुझे इस पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? इस बात से उनको बेचैनी हो रही है ना कि आज कांग्रेस पार्टी लगातार बलात्कारियों के पक्ष के विरोध में आवाज उठा रही है, कि आज मध्य प्रदेश में इस तरह का वातावरण क्यों है? लगातार स्मगलिंग जैसे जो ड्रग्स के माफिया मध्य प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह की चीजें आज कार्यशैली मध्य प्रदेश की दुर्दशा के लिए बात जो रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक सजग प्रहरी के रूप में लगातार आवाज उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का तो डर है, हमारी कार्यकारिणी से बनेगी या नहीं बनेगी या देर से बनेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? अगर इतनी सहूलियत आप लोगों में, यानी आप लोगों का मतलब है कि आप लोगों के राजनीतिक दलों में आ जाए, तो फिर बात ही कहना क्या हो जाए, फिर ये किसी के पेट में दर्द हो अंदरूनी मामला का जो आप जिक्र कर रहे हैं। फिर ठीक है आप उदाहरण अभी उदाहरण मैं दे दूंगा आपके पास, रवि वर्मा जी, ठीक है। राजेंद्र सिंह जी, कहां समस्या आ रही है? ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो कार्यकारिणी का गठन करते हैं नहीं करते हैं बीजेपी को कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप तो चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, चुनाव आपने आपके पक्ष में जा रहा है, ये तो आपके हित की बात है भाई। देखिए, मेरा तो कहना है कि रवि भाई की राय, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, और हम तो चाहते हैं कांग्रेस जैसी चल रही है ऐसी चलती रही, तो एक दिन चलना चल क्या रही रेंग रही है, तभी तो ये 29 की 29 सीट हार गए हैं, उपचुनाव हार गए हैं, अब एक और उपचुनाव है उसकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी है, तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला निश्चित तौर पर। लेकिन जो एक मेरे भाई रवि जी कह रहे थे कि कांग्रेस में पार्टी तय करेगी कौन रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कौन तय करेगा? दिग्विजय सिंह जी तय करेंगे, जीतू पटवारी तय करेंगे, भंवर जितेंद्र सिंह तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो कोटे सिस्टम चलता है कि कौन सा नेता का कितने लोग समाहित होंगे वो तय करने में इनको साल भर लग जाता है। और जब चुनावी मोड में आते हैं तो रवि भाई को मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूँ कि जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे उनसे भी पूछ लो कि उनकी कार्यकारिणी में कितने महासचिव रहे और कितने सचिव रहे। चुनाव के समय दीपक बाबरिया पूरा गट्ठा लेके बैठते थे, और जो व्यक्ति आता था कहता था साहब मुझे पद दे दो, उसको महासचिव, उसको सचिव, उसको उपाध्यक्ष। तो ये कांग्रेस में कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, इसलिए हमें चिंता भी नहीं है इनके यहाँ कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इनके यहाँ तो जितने बनते हैं शायद उनकी संख्या अध्यक्ष को भी नहीं पता होती है कि कौन कौन पदाधिकारी बन गए। ये बड़ा सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे नाम की कोई चीज बची नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि हम क्यों घबराएंगे, मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विकास के साथ खड़ी है। कांग्रेस के चंद कांग्रेसी लोग अगर हैं जो नहीं, जिनका काम ही है कि हमेशा विरोध करना, तो उनसे कोई अंतर पड़ता भी नहीं है, चाहे वो लोकसभा चुनाव के परिणाम हो चाहे उपचुनाव के परिणाम हो। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता हो कि पार्टी जाए तेल लेने, उसको आप जो है कमान दे देते हो, फिर ये गुटबाजी का जो मैं कह रहा हूँ शायद इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि साहब ये गलत कह रहा हूँ। लेकिन ये अधिकृत रूप से जितेंद्र जीतू पटवारी का पहला बयान, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला बयान उनका जो आया था उज्जैन यात्रा के दौरान, अब पार्टी में गुटबाजी नहीं चलेगी, मतलब ये बात है कि पार्टी में गुटबाजी होती है। इनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारी पार्टी में अब जो है पट्टाबाज नहीं चलने दूंगा, तो पट्टाबाज कौन चलाता था? तो ये इनके अंदरूनी मामले, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि कौन के पट्टे कौन है, कौन किसका पट्टा है, कौन किसका पट्टा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चला जाता है, प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बन पाती है, तो ये इनके पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो मध्य प्रदेश के हालात हैं उन हालातों को लेकर के कांग्रेस जो मुद्दों की राजनीति कर रही है, मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों से बीजेपी घबराई हुई है। दूसरी बात ये कि अब कांग्रेस शायद हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही थी, अब इसमें एससी एसटी ओबीसी वर्गीकरण के आधार पर अपने अपने वर्गों को कौन कितना मजबूत बना सकता है उसको इस कार्यकारिणी में फिट करने की कोशिश की जाएगी। राजेंद्र जी, मैं कह रहा था रवि भाई अभी कह रहे थे मुद्दे आधारित बात करते हैं, भैया जज डील में जो नाम आए तो वो कांग्रेस नेताओं के करीब ही पाए गए,
तो इसमें फिर इनने कहा कि नहीं साहब वो तो फोटो खींच गई है, तो इनके चरित्र और वो खुद देख लीजिए, ये जो मुद्दे उठाते हैं उसमें खुद ही उलझ जाते हैं, इनके राष्ट्रीय नेता भी जो मुद्दे उठाते हैं उसमें वो स्वयं उलझ जाते हैं, चाहे वो हरियाणा में जाके जलेबी की बात करते हो फैक्ट्री लगाने की, या फिर यहाँ प्रदेश के नेता जो बयान देते हैं कि उसमें भी हमने देखा कि वो स्वयं की पार्टी के लोगों के लिए बात करते हैं, चाहे लक्ष्मण सिंह जी जब बात करते हो तो वो पार्टी के लिए बात करते हैं, आईना दिखाते रहते हैं। तो ये इनके अंदरूनी मामले जरूर है, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि अगर जो थोड़ा बहुत आपको दायित्व बतौर नेता प्रतिपक्ष या पार्टी के तौर पर दिया है तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि आप जनहित के मुद्दे पे तो दिखें। बिल्कुल, ये जनहित के मुद्दों पे कभी नहीं दिखते हैं, इनको सिर्फ जो है अनाप शनाप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, और जनता इनकी नीति और रीति को समझ चुकी है, इसलिए लोकसभा चुनाव उपचुनाव तमाम जगह इनके खाते में। अभी तो इनके मैंने सुना है अधिकृत रूप से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जीतू के बीच भी आपस में भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी के बीच में भी चल रही है कि खींचतानी की कैसे करेंगे, करना है कि नहीं करना है, ये लिस्ट भेजते हैं वो लोग देते। तो कांग्रेस में विभिन्न, और ये आज की बीमारी नहीं है, सिर्फ जीतू पटवारी जी के लिए बात नहीं कर रहा है, ये आप और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में ये वर्षों की परंपरा रही है कि गुटबाजी और पट्टावाद इनका प्रमुख मूल मंत्र रहा है। तो इसमें जब इनके बीच सामंजस्य हो जाएगा, शायद नेताओं के बीच कुछ सामंजस्य हो जाएगा तो कार्यकारिणी बन जाएगी, और जब बनेगी तो मैं आज कह रहा हूँ हर कांग्रेस की कार्यकारिणी के साथ कहा जाता है कि हम योग्य व्यक्ति को लाएंगे, और बनने के साथ ही एक हेडिंग छपती है कि जम्बो कार्यकारिणी घोषित, उसमें 70-75 उपाध्याय, 30-40-50-60 महासचिव, और जो जो लोग बनते हैं उनको बेचारा प्रतिशत पहचान भी नहीं पाता है कि किसको बना दिया किस नेता के कहने पर। तो ये तो परंपरागत रूप से कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा है, तो उस पर आप रवि भाई खुद चिंतन कर लेंगे, इन्हें शायद नहीं पता होगा कि इनके साथ कितने प्रवक्ता हैं। कई बार मेरे एक प्रवक्ता साथी वरिष्ठ थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत पुराने मित्र हैं, एक दिन कोई टीवी डिबेट में कोई आया, उन्होंने कहा अच्छा ये कौन प्रवक्ता आ गया, मैं तो इनको पहचानता नहीं। तो ऐसा इनकी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, तो उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, ये इनका चिंतन मनन करते रहें, जब इनको बनाना हो बनाए, उपचुनाव निकल जाएंगे फिर और चुनाव हो जाएंगे। ठीक है रवि वर्मा जी, क्या कहेंगे, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जो आरोप उठाते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों में खुद ही गिर जाते हैं आप। देखिए किन मुद्दों में कौन गिर रहा है ये तो सब मध्य प्रदेश में आज सब देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस हिम्मत और ताकत के साथ आज सरकार से सवाल कर रही है, चाहे वो महिला अत्याचारों पर हो या मध्य प्रदेश को माफियाओं का अड्डा बनाने का काम हो या ड्रग्स को लेकर, ये कौन किसके आरोप में गिर रहा है। देखिए एक अच्छे प्रवक्ता की शैली से अगर वो चर्चा में बैठेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा सार्थक होगी, नहीं तो ये आप बोलिए राजेंद्र जी सुनेंगे, आप बोलिए सुनेंगे राजेंद्र जी सुनेंगे, बोलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक सीमित रखें, यहाँ ना रखें वो। तो कौन किसके मुद्दे में घिर रहा है, कौन किसके कारण जो है आज बदनाम हो रहा है, कौन किसको आईना दिखा रहा है, कौन किसका पट्टावाद है, मध्य प्रदेश में आज सब देखा जा रहा है, सब जनता के सामने है। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर चौतरफा हमले कर रहे हैं और उन्हें घेर रहे हैं, इस तरीके से जब लगातार सवाल हो रहे हैं तो पट्टावाद से गिरी हुई भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि साहब मुझे बचा लीजिए, माफिया मेरी हत्या कर देंगे, प्रतीक पटेल जी का बयान है जो इस बात की पुष्टि करता है कि आज मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया हावी है। ड्रग माफियाओं के साथ जिस हरीश अंजना के फोटो वायरल होते हैं वो किसका प्रचारक है, वो किसके लिए पार्टी के लिए प्रचार करता है, कौन पैसा लगाता है, किसकी शैपर फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में ड्रग्स की लगाई जाती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। कौन किसको निपटाना चाहता है, मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, वो अपने असक्षम कार्यकाल से कुछ सबक ही नहीं लेना चाहते हैं। नाक के नीचे इतनी बड़ी फैक्ट्री लग जाती है, उनके सहयोगियों के उसमें हाथ होने के सबूत मिलते हैं, फोटो वायरल होती है, पैसा लगाने की बात वो सामने आ जाती है, तब ऐसे समय में विपक्ष एक सजग विपक्ष के रूप में लगातार मध्य प्रदेश की आवाज बना हुआ है। कार्यकारिणी को लेकर अगर वो उनके पेट में मरोड़े हैं तो उठते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। खेमे में बटी हुई जो भारतीय जनता पार्टी का हाल है मध्य प्रदेश में सब देखा जा रहा है। अच्छी बात है, विपक्ष को जनता की आवाज बननी भी चाहिए, और अगर कहीं सरकार गलत ट्रैक पर जा रही है तो उसे सही ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की होती है। खेमे से आते हैं अजय बिश्नोई जी, किस गुट से आते हैं,
वो सत्यता के साथ आज मोहन यादव जी को जब आईना दिखा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राजेंद्र सिंह जी इस बात को मानेंगे कि किस गुट का आरोप आज मोहन यादव की सरकार को घेर रहा है। वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार ही दंडबद्ध है शराब माफियाओं के सामने। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर पे हमला कर रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा, मैं खुली सांस लेने नहीं दूंगा इन ड्रग माफियाओं को। तो कौन किस पे हमले कर रहा है, कौन किसको आईना दिखा जा रहा है, ये लगातार सत्यता के साथ इस बात को मैं उठा रहा हूँ। माननीय जीतू पटवारी उठा रहे कि खेमे और गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी एक असक्षम मुख्यमंत्री को लगातार आईना दिखा रही है। ठीक है, राजेंद्र जी जवाब दीजिए। मित्र रवि वर्मा जी, उमंग सिंगार ने कांग्रेस सरकार के समय चिट्ठी लिखी थी दिग्विजय सिंह को शराब माफियाओं के लिए, शराब माफियाओं के सरगना है दिग्विजय सिंह, ये मैंने कह रहा हूँ मीडिया में। अरे ये सब पुरानी बातें, झूठी बातों के आधार पर चर्चा मत बनाइए। पब्लिक डोमेन में है कि मुख्यमंत्री एक असक्षम मुख्यमंत्री, पक्षी वाले मुख्यमंत्री इतने असहाय हो चुके हैं कि उन्हें। आप भी सुन लीजिए रवि जी, आप भी सुन लीजिए। अभी आपकी बात राजेंद्र जी ने सुनी, अब आप भी राजेंद्र जी की बात सुनिए। आपको पूरा मौका देंगे आप बोलने का, अपनी बात रखने का पूरा मौका देंगे आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पे आरोप विपक्ष लगा रहा है, हम नहीं लगा रहे। वो कैलाश विजयवर्गीय जी अगर कह रहे हैं कि शराब माफिया या जो भी ड्रग माफिया है या नशे के कारोबारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी सरकार हो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए सरकार के जो जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि इनको नहीं बख्शा जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार भाई उमंग सिंगार तत्कालीन सरकार के जिम्मेदार मंत्री थे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता पे खुला पत्र लिख के आरोप लगाया था कि ये शराब माफियाओं के सरगना है। कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है राजेंद्र जी ये आरोप लगाया गया कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, सुनिए ना, अब जब अब सवाल ले लीजिए राजेंद्र जी। ठीक है अब सवाल ले लीजिए। कांग्रेस की सरकार के दौरान ये आरोप लगाए गए, कांग्रेस का हस्त क्या हुआ, कांग्रेस ने उसको भुगता, तो क्या बीजेपी भी ऐसे भुगतने के लिए तैयार है क्या? मैंने यही कहा कि हम पे भाजपा पे कांग्रेस के विपक्षी आरोप लगा रहा है। हाँ। हमारी सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इनके यहाँ तो इनके ही लोग बता रहे थे ना, पोल खोल रहे थे कि कौन कौन माफिया है। तो ये जो रवि भाई अभी कह रहे थे कि मुद्दे उठाने वाली बात, दूसरी चीज जीतू पटवारी ने कितने मुद्दे उठाए विधानसभा के बाद जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए और लोकसभा चुनाव तक 4-5 महीने में कितने मुद्दे उठाए और उनसे सहमत हुई। इसके परिणाम लोकसभा चुनाव में हमने देखे कि 29 लोकसभा सीट आप हार गए, और तो और उनके गृह क्षेत्र की जनता उनके साथ और कांग्रेस के नेता कितना उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे थे कि इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी चलते चलते चुनाव में ही छोड़ के साथ चले गए। तो ये जीतू पटवारी का, मैं ये कहता हूँ कि अब तक के इतिहास का कांग्रेस का सबसे अक्षम नेतृत्व कोई है तो जीतू पटवारी है, जिनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस रसातल में जा रही है। ना सिर्फ लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इतिहास में जब से कांग्रेस बनी है तब से अभी तक के सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर कांग्रेस में कभी रहा है तो जीतू पटवारी के नेतृत्व में रहा है। ये आंकड़े सहित आपके सामने। चलिए, आप तो बड़े हितैषी हैं कांग्रेस के। देखिए रवि जी, राजेंद्र जी आपके नहीं अच्छी बात है और क्या। और देखिए कितनी कमियां आपको गिना रहे हैं और कौन सबसे खराब कार्यकाल किसका रहा है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन जो ठेका फ्रेंचाइजी मोड पर कांग्रेस को राज्यों में देने की जो बात बीजेपी कह रही है, क्या इसी का खामियाजा आपको राज्य दर राज्य उठाना पड़ा है क्या? अगर हाल ही में देखें उसका नतीजा हरियाणा में, क्योंकि पूरा माहौल बनने के बाद आपके बिल्कुल खिलाफ चला गया। देखिए मध्य प्रदेश या हरियाणा की जो बात है, जिस तरीके से जनता और तमाम एजेंसी ने कहा कि परिवर्तन आज मध्य प्रदेश में जनता चाहती है, हरियाणा में चाहती है, लेकिन किस तरीके से परिणाम आते हैं और किस तरह के मैनिपुलेट होते हैं। लगातार ईवीएम की गड़बड़ी मध्य प्रदेश में भी पाई गई, हरियाणा में पाई गई कि मशीनें जो है, जो मशीनें 50% 60% चुनाव के मतदान के दिन थी वो 90% और 100% चार्ज कैसे हो गई। बैलेट पेपर, जिस बैलेट पेपर पर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोट मिले हरियाणा में मिले, वो ईवीएम में लगातार कैसे भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिल जाते हैं।
तमाम तरह की शिकायतें की गई, तमाम तरह की गणना रोकी गई, जिनके समय पर परिणाम आए नहीं गए। ऐसी गड़बड़ घोटाले वाली सरकार है कि लगातार लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है सरकार। और अगर ये ईवीएम पर सवाल कहेंगे कि इनकी अन्य राज्यों में सरकार बन जाती है, जब ये सवाल नहीं उठाते, कांग्रेस पार्टी इस लगातार सवाल के साथ है कि हमें ऐसी सत्ता मंजूर नहीं है। अगर हम जीतते भी हैं, हमारी सरकार भी बनती है, तब भी हम ईवीएम को लेकर एक संकल्पित है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो आप ही थे सर। देखिए, अच्छे के लिए लाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका मिसयूज करना और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करना, ये मेरा खुला आरोप है कि जिस तरीके से सत्ता का चीरहरण आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये हरियाणा का गाना गा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो इनकी नैतिक हार हुई है, वहाँ क्या कहेंगे? क्या उसके आधार पर आकलन नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ आकलन नहीं होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी जीत है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की हार हुई है अयोध्या के तट पर, जो 370 का गाना गा रहे थे पूरे देश में, बीन बजा रहे थे बीन, आज वहाँ भी हार गए हैं 370 के तट पर जो भरते थे। इस तरीके से 10 साल तक जम्मू कश्मीर की जनता के हजारों को छीना, उन्हें बंधक बनाकर रखा, उनके नैतिक अधिकार का हनन किया। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का खूब बड़ा साथ हुआ है, उस पर भी थोड़ा मंथन करें। लगातार अयोध्या के तट पर 370 की भी हार हुई है आपकी, इस पर कोई जवाब देगा? ये काला चेहरा मुख्यमंत्री का क्यों ढकाया जा रहा है, इस पर भी बताएं। चलिए राजेंद्र जी, मेरा रवि भाई से दो सवाल। एक तो हमारे सारे सवाल होते हैं आपके, कभी आप सुनने की हिम्मत भी रखिए? इन आरोपों को लेकर सरकार क्यों लगातार आपके चौतरफा विधायक गठित रहे हैं, विधायक सवाल कर रहे हैं आपके, विपक्ष तो कर रहा है, उस पर है कोई आपका जवाब? आपके पास कोई जवाब नहीं है, केवल आप इस तरीके से हल्ले करके इसका शोर शराबा करके केवल आप चर्चा से भागना चाहते हैं। एक भागे हुए प्रवक्ता है आप। मैं भागा हुआ प्रवक्ता नहीं हूँ। कौन भाग रहा है? सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। जब आपके हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है तो सुनने की हिम्मत रखिए। आप सुनने नहीं जा रहे हैं, आप अपराध के साथ केवल चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, और मैं चर्चा के प्रारंभ से कह रहा हूँ कि अगर सुनने की हिम्मत रखते हैं तो रखिए, तब ये सार्थक रूप में होगी, लेकिन आप सुनने नहीं। चलिए ठीक है, कोई नहीं भाग रहा रवि जी, कोई नहीं भाग रहा। आपने भी जवाब दिया, राजेंद्र भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन वही है ना कि एक दूसरे पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप सुनिए पहले, लेकिन जब आप लोग बोलने लगते हैं तो उसके बाद एक दूसरे के सुनते नहीं है, अपनी बात ज्यादा रखना चाहते हैं। बहरहाल ठीक है, ठीक है रवि जी, आप माफ कीजिए, रोकना पड़ा है आपको, मुझे माफ कीजिए, समय का अभाव इसलिए चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना पड़ा है। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है और कांग्रेस सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है, और इसी पूरे मुद्दे को लेकर के अब मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।